गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू सिक्सालाइन आज हम करेंगे डेली करेंट अफेयर्स ट्वेंटी फर्स्ट अक्टूबर का हमारा पहला टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल देंटर अमेंडेड द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट नाइनटीन एटी नाइन टू फैसिलिटेट द सेटिंग अप ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल द मेम्बर ऑफ विच विल भी डायरेक्टली इलेक्टेड बाई वोटर इन द यूनियन टेरेटरी सेंटर ने अमेंड किया है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 को ताकि वो फैसिलिटेट कर सके सेटअप करने में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जिसके कि मेंबर जो है डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे वोटर्स के द्वारा यूनियन टेरिटरी के द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल आर सेट टू बिकम अ न्यू यूनिट ऑफ गवर्नेंस इन जम्मू एंड कश्मीर अ लेजिस्लेशन टू दिस इफेक्ट ब्रॉट इन बाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू एन अमेंडमेंट टू द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट नाइनटीन तो जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है उसने ये जो है एक नया यूनिट बनेगा गवर्नेंस का जम्मू एंड कश्मीर का एक लेजिस्लेशन इसको इफेक्ट में लाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा पहले ही अमेंड करके जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट नाइनटीन को ला दिया गया है द स्ट्रक्चर विल इंक्लूड अ डी डी सी एंड अ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो ये स्ट्रक्चर है वो इंक्लूड करेगा डी डी सी और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को जो जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अमेंड किया है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज रूल 1996 को ताकि वो इस्टेब्लिश कर सके इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को जम्मू एंड कश्मीर पे दिस सिस्टम इफेक्टिवली रिप्लेस द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड विल प्रिपेयर एंड अप्रूव डिस्ट्रिक्ट प्लान एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ये जो सिस्टम होगा वो इफेक्टिवली रिप्लेस करेगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड को हर एक डिस्ट्रिक्ट से और प्रिपेयर करेगा अप्रूव करेगा डिस्ट्रिक्ट के प्लान को और कैपिटल एक्सपेंडिचर को डियर की फीचर हाउ एवर इज़ डैट डी डी सी विल हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्राम इस डिस्ट्रिक्ट और उनका जो की फ़ीचर्स क्या होगा कि डी डी सी विल जो होंगे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो टर्म होगा डी डी सी का वो पाँच साल का होगा और जो इलेक्टोरल प्रोसेस होगा वो अलॉक करेगा रिजर्वेशन हो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन के लिए जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होंगे डिस्ट्रिक्ट के वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर आई ए एच ई ये पी का न्यूज़ है तो जो फिफ्थ जनरल काउंसिल मीटिंग हुआ इंडियन एकेडमी ऑफ़ हाईवे इंजीनियर का वो किसके चेयरमैनशिप में हुआ तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे आई ए एच ई को कंस्टिट्यूट किया गया था वो क्रिएट किया गया था 1983 में आई ए जो है वो प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग हाईवे इंजीनियर को प्रोफेशनल को जो कि वर्क कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पी लोकल बॉडी कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट कौन्ट्रेक्ट के अंडर नीड वॉज हाउ एवर फेल टू कंसिडरेबली एक्सपेंड एंड इम्प्रूव दी एक्टिविटीज़ ऑफ आई ए टू बेटर कंट्रीब्यूट टू हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकिन नीड महसूस हुआ कि क्या एक्सपेंड किया जाए इम्प्रूव किया जाए जो एक्टिविटीज़ है आई का उसको ताकि बेटर कंट्रीब्यूट करे ये हाईवे के डेवलपमेंट प्रोग्राम में तो इसी के अकॉर्डिंगली मिनिस्ट्री ने कंस्टिट्यूट किया एक कमेटी किसके चेयरमैनशिप में तो वाई एस मलिक के जो कि फॉर्मल सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के कि वो अपना रिकमेंडेशन दे कि, कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाए आई को एक वर्ल्ड क्लास प्रीमियर इंस्टीट्यूट में हाईवे सेक्टर का द काउंसिल डेलिबरेटेड द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी टू इन्हेंस द स्कोप ऑफ आई ए एच ई टू थ्री डिस्टिंक फंक्शन और जो काउंसिल है उसने डेलीब्रेट किया जो रिकमेंडेशन था कमेटी का कि किस तरीके से इनहेंस किया जा सकता है जो स्कोप है आई ए एच ई का तीन डिस्टिंक्ट फंक्शन में वो तीनों फंक्शन क्या क्या है पहला ट्रेनिंग दूसरा अप्लाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दी हाईवे एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर तीसरा रोड सेफ्टी एंड रेगुलेशन एंड डिसाइडेड टू टेक फर्दर नेसेसरी एक्शन टू ट्रांसफॉर्म आई ए एच ई इन अ वर्ल्ड क्लास प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन हाईवे सेक्टर नेक्स्ट है हमारा एस सी ओ इस्टार्टअप फॉरम द फॉरम विल ले दी फाउंडेशन फॉर मल्टी लेटरल कॉपोरेशन एंड एंगेजमेंट एमॉन्ग संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेम्बर स्टेट टू डेवलप देयर स्टार्टअप इको सिस्टम कलेक्टिवली तो ये जो फॉरम है वो फाउंडेशन रखता है मल्टी लेटरल और इंगेजमेंट का शंघाई कापरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेम्बर स्टेट के बीच में वो डेवलप करे स्टार्टअप इको सिस्टम को कलेक्टिवली द फॉरम सेल आइडेंटिफाई एरिया ऑफ कॉपरेशन बाई लॉन्चिंग मल्टीपल इंटरप्रेनियर एक्टिविटीज़ लाइक स्टार्टअप शोकस थ्रू अ डेडिकेटेड वर्चुअल प्लेटफॉर्म मोबलाइजिंग कैपिटल फॉर स्टार्टअप शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस प्रोक्योरिंग सोशल इनोवेशन एक्सेट्रा तो ये जो फॉरम है वो आइडेंटिफाई करेगा जो एरिया है कॉपरेशन का लॉन्च करते हुए मल्टीपल इंटरप्रेनियर एक्टिविटीज़ को किस किस फील्ड पर तो स्टार्टअप शोकस थ्रू अ डेडिकेटेड वर्चुअल प्लेटफॉर्म मोबालाइज़ करेगा कैपिटल स्टार्टअप के लिए शेयर करेगा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है प्रोक्योर करेगा सोशल इनोवेशन को एंड सो ऑन अब इनोवेशन एंड स्टार्टअप विल बी द की फोकस एरिया ऑफ एस हेड ऑफ़ गवर्नमेंट मीटिंग ऑन थर्टी नवंबर 2020 टू बी होस्टेड बाय इंडिया और जो इनोवेशन और स्टार्टअप है वो मेन फोकस होगा एस के हेड ऑफ़ गवर्नमेंट का मीटिंग का जो होने वाला है तीस नवंबर 2020 पे इंडिया पे अब ये न्यूज़ पे आया क्यों तो ये पहली बार है कि एस का स्टार्टअप फोरम जो है वो लॉन्च किया जाएगा ट्वेंटी अक्टूबर अ हेड ऑफ एस ट्रेड मिनिस्टर मीटिंग ट्वेंटी एट अक्टूबर यानी जो एस ट्रेड मिनिस्टर मीटिंग है वो बाद में हो रहा है और फोरम पहले ही लॉन्च हो जा रहा है द शंघाई कापरेशन ऑर्गेनाइजेशन और शंघाई पैक जो है वो एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है जिसका क्रिएशन जो था अनाउंस किया गया था 15 जून 2001 पे शंघाई चाइना पे बाय द लीडर्स ऑफ चाइना कजाकिस्तान किर्गिस्तान रशिया तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान जो शंघाई कॉपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर है वो फॉर्मली इस्टेब्लिश किया गया था ऑर्गेनाइजेशन जो है वो साइन किया गया जून टू थाउजेंड पे और फोर्स में आया टू थाउजेंड पे ठीक है अब सिंस देन द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एक्सपेंडेड इज मेंबर टू एट कंट्रीज उसके बाद से ऑर्गेनाइजेशन ने अपने मेंबर को एक्सपेंड किया एट कंट्रीज़ पे जब इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया एस के फुल मेंबर वो बने नाइन जून टू थाउजेंड सेवेंटीन पे एट समिट इन अस्ताना कजाकिस्तान में ठीक है तो अस्ताना समिट से इंडिया और पाकिस्तान एस के फुल मेम्बर बन गए ये है आपका शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेम्बर कंट्रीज़ का लोकेशन मैप में रशिया कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान पाकिस्तान चाइना इंडिया ठीक है नेक्स्ट नेशनल कंपनी लॉ अपले ट्राइब्यूनल तो ये इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कंपनी एक्ट 2013 के अंदर इसका फंक्शन क्या है तो इट हीयर्स अपील अगेंस्ट दी ऑर्डर ऑफ ये जो है अपील सुनता है किसके ऑर्डर के अगेंस्ट तो एन अंडर सेक्शन 61 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड टू इंसलवेंसी एंड बैक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 202 एंड सेक्शन 211 ऑफ आईबीसी इसके अगेंस्ट और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अब इसका कंपोजिशन कैसा है तो जो प्रेसिडेंट होता है ट्राइब्यूनल का और चेयरपर्सन और वार्ड जुडिशियल मेंबर जो होते हैं ट्राइब्यूनल के उनको अपॉइंट किया जाता है कंसल्टेशन के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो मेंबर होते हैं ट्राइब्यूनल के व टेक्निकल मेंबर जो होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है रिकमेंडेशन में एक सिलेक्शन कमेटी का जो उसमें कि कौन कौन होते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व उसके नॉमिनी चेयरपर्सन के रूप में सीनियर जज ऑफ़ सुप्रीम कोर्ट और अचीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो कि उसके मेंबर होंगे सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स उसके एक मेंबर होंगे सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस वो भी मेंबर और सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल सर्विस इन द मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस वो मेंबर होंगे अब इसके पर्सन जो होंगे वो जज ऑफ़ सुप्रीम कोर्ट व चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए जो जुडिशियल मेंबर होंगे वो जज होंगे हाई कोर्ट के व जुडिशियल मेंबर होने चाहिए ट्राइब्यूनल के फॉर फाइव ईयर्स व उससे ज़्यादा जो टेक्निकल मेंबर होंगे उसका एक प्रूवन एबिलिटी होना चाहिए इंटेग्रिटी होना चाहिए और उनको स्पेशल नॉलेज व एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्वेंटी फाइव ईयर्स व उससे ज़्यादा स्पेसिफाइड एरिया पर अब जो टर्म ऑफ ऑफिस है चेयरपर्सन और मेंबर का वो पाँच साल का है अब वो री अपॉइंट हो सकता है एडिशनल फाइव इयर्स के लिए न्यूज़ में आया क्यों ये तो जो नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल है उसने डिसमिस कर दिया अपील, अपील अगेंस्ट साइमेंस कैमेसा रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जो अपील था ओवर एलिज नन पेमेंट ऑफ इस सेटलमेंट ड्यू कि उसने नहीं पेमेंट किया सेटलमेंट ड्यू को नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आई एफ एस सी ए इंट्रोड्यूस फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सेंड तो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है आई एफ एस सी ए उसने इंट्रोड्यूस किया है एक फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है तो ये एक सेफ़ हार्बर है वेयर बिजनेस कैन टेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट अंडर रिलैक्स रेगुलेटरी कंडीशन ठीक है तो ये एक सेफ हार्बर हम बोल सकते हैं जहाँ पर बिजनेस जो है अपना इनोवेटिव प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकता है रिलेक्स तो वहाँ पे कोई रेगुलेटरी कंडीशन वैसा नहीं होगा टिपिकली पार्टिसिपेटिंग कंपनी रिलीज न्यू प्रोडक्ट इन ए कंट्रोल इन्वायरमेंट टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम और टिपिकली क्या होता जो है जो पार्टिसिपेटिंग कंपनी होते हैं वो रिलीज करते हैं नया नया प्रोडक्ट को कंट्रोल इवायरमेंट में एक लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर के लिए लिमिटेड पीरियड ऑफ समय टाइम के लिए तो जो न्यू फ्रेमवर्क रिलीज किया गया है आई के द्वारा उसमें क्या बताया गया है तो जो रेगुलेटरी सेंडबॉक जो होगा वो ऑपरेट करेगा विदिन दी आई एफ लोकेटेड एट किफ सिटी पे जो इंटाइटिस ऑपरेट करेंगे कैपिटल मार्केट बैंकिंग इंश्योरेंस फाइनेंशियल सर्विस स्पेस को उनको ग्रांट किया जाएगा कुछ फैसिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट विद इनोवेटिव फिनटेक सॉल्यूशन ताकि वो एक्सपेरिमेंट करें इनोवेटिव फिनटेक सॉल्यूशन के साथ एक लाइव इन्वायरमेंट में लिमिटेड सेट ऑफ रियल कस्टमर के साथ लिमिटेड टाइम फ्रेम में ये जो फीचर है वो फोर्टिफाइड किया जाएगा नेसेसरी सेफ के साथ इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन और रिस्क मिटिगेशन को ध्यान में रख के अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ये है क्या तो ये एक स्टेटरी बॉडी है जिसको कि स्टैब्लिश किया गया था 2020 पे ये वर्क करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आई का हेड क्वार्टर गांधीनगर गुजरात में है इसका रोल और फंक्शन क्या है इस मेन तो फंक्शन इज टू डेवलप एंड रेगुलेट द फाइनेंशियल प्रोडक्ट फाइनेंशियल सर्विस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोकेटेड परफॉर्म्ड इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन इंडिया इसका मेन फंक्शन क्या है डेवलप करना रेगुलेट करना फाइनेंशियल प्रोडक्ट को फाइनेंशियल सर्विस को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो कि लोकेटेड है वह परफॉर्म कर रहे हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर पर इंडिया के अब जो ऑथोरिटी है जिसको कि इम्पावर किया गया है कि वो एक्सरसाइज कर सकता है पावर ऑफ आर बी आई से बी इर्दा इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंशियल प्रोडक्ट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि लोकेटेड हो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कंट्री के इसका कंपोजिशन पर पूरा रहा IFC है आई एफ एस सी ए का तो जो पर्सन होंगे वन मेंबर होने चाहिए ईच ऑफ नॉमिनेटेड जो कि हर एक से नॉमिनेटेड हो आर बी आई सिक्योटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी इन चारों से एक एक मेंबर और टू मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू होल टाइम और फुल टाइम पार्ट टाइम मेंबर होने चाहिए दे विल हैव अ थ्री ईयर टर्म सब्जेक्ट टू री अपॉइंटमेंट उनका तीन साल का टर्म होगा और वो क्या है री अपॉइंट हो सकता है अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मालाबार नेवल एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज मालाबार एक ट्राइलेट्रल नेवल एक्सरसाइज है जो कि इन्वॉल्व करता है यूएस जापान और इंडिया को एक परमानेंट पार्टनर के रूप में तो किस किस के कौन कौन है इसमें वो पता चल गया औरिजनली ये स्टार्ट हुआ था 1992 पे टू एक्सरसाइज था जब ये स्टार्ट हुआ था इंडिया और यू के बीच में जापान इसका परमानेंट पार्टनर 2015 में बना है पाँच नन परमानेंट पार्टिसिपेंट जो थे वो ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर थे जो एनुअल मालाबार सीरीज़ जो है वो 1992 पे जो कि इंक्लूड करता है डाइवर्स एक्टिविटीज़ जो कि रेंज करता है फाइटर कॉम्बैट ऑपरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर से टू मेरी टाइम इंटरडिक्शन ऑपरेशन एक्सरसाइज को अब सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंक्लूजन क्या सिग्निफिकेंस है जो मालावार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड कर लिया गया जापान यूएस इंडिया तो थे ही तो अर्लीर अर्लियर इंडिया हैज़ जे कॉन्सन दैट इट विल गिव द अपीयरेंस ऑफ ए क्वारेटर मिलिट्री अलायंस एम डेट चाइना पहले इंडिया को कंसर्ट था कि वो क्या है अपीयरेंस देगा क्वेडिटर मिलिट्री अलायंस का चाइना को एम्स करते हुए लेकिन क्या है अब दोनों देख रहे हैं कि जो कॉपरेशन है इंडो पैसिफिक रीजन पर और इंटरसन करना डिफेंस साइड जरूरी है इससे क्या हुआ कन्वर्जेंस हुआ है म्यूचुअल इंटरेंस का और बहुत सारे एरियाज में बेटर अंडरस्टैंडिंग बना है रीजनल और ग्लोबल इश्यूज़ में दोनों ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो कंक्लूड नहीं किए थे बहुत समय से पेंडिंग था म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट का वो क्या है एक मेजर है वो एलिवेट कर सकता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अब घर तक फाइबर स्कीम इसको लॉन्च किया गया सितंबर 2020 में इसका एम है कनेक्ट करना ऑल द विलेजेस को विथ हाई स्पीड इंटरनेट से टारगेट क्या है तो अंडर द स्कीम बिहार हैज़ टू प्रोवाइड एटलीस्ट फाइव फाइबर टू होम कनेक्शन पर विलेज वाइल देयर शुड ऑल्सो भी एटलीस्ट वन वाई फाई हॉट स्पॉट पर विलेज इस स्कीम के तहत बिहार जो है वो प्रोवाइड करेगा पाँच फाइबर टू होम कनेक्शन पर विलेज और कम से कम एक वाईफाई हॉटस्पॉट पर विलेज जो इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है तो इसको जॉइंटली इंप्लीमेंट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसके साथ मिलके कॉमन सर्विस सेंटर के साथ मिलके अब न्यूज़ में क्यों आया तो गवर्नमेंट के जाता के अनुसार घर तक फाइबर स्कीम जो है वो काफ़ी स्लो स्टार्ट किया है बिहार जो कि फर्स्ट स्टेट जिसका टारगेट है कि वो कनेक्ट करे अपने सारे विलेज फोर्टी विलेज को मार्च थर्टी वन ट्वेंटी वन का इसका टारगेट रखा गया है लेकिन स्टेटस क्या है इस स्कीम का तो कनेक्ट करना ऑल विलेज बाय मार्च थर्टी वन था स्टेट वुड नीड टू डिग ट्रेंचेस ले केबल एंड प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू एन एवरेज ऑफ टू फिफ्टी सेवन विलेज डेली और अ मंथली एवरेज और ओवर सेवेंटी फाइव हंड्रेड विलेजेस तो कनेक्ट करने के लिए विलेजेस को सारे मार्च थर्टी वन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तक स्टेट को क्या है कि बहुत सारे ट्रेंचेस टिक करने होंगे केबल बिछाने होंगे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना होंगे एवरेज टू फिफ्टी सेवन विलेज डेली का व सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड विलेज मंथली एवरेज होना चाहिए लेकिन नियरली एक मंथ होने को है स्कीम के इनोग्रेट होने का जो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है अभी तक सिर्फ फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी सेवन विलेज में ही अक्टूबर फोर्टीन तक बिछ पाया है रेट जो है इसका वन एटी वन विलेज पर डे का यानी अपने टारगेट से काफ़ी पीछे है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रांड आई टैलेंट्स इसको लॉन्च किया गया है नेशनल जल जीवन मिशन के द्वारा किसके साथ पार्टनरशिप में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इसका ऑब्जेक्टिव है कि वो एक इनोवेटिव मॉड्यूलर और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन डेवलप करे स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट के लिए एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को जो कि डिप्लॉयड किया जाए विलेज लेवल पे जो मिशन है वो फोकस करेगा सर्विस डिलीवरी पे ना कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे द बेस्ट सॉल्यूशन विल गेट कैश प्राइस ऑफ रूपीज फिफ्टी लैख एंड रनर अप विल गेट प्राइज ऑफ रूपीज ट्वेंटी लैख इज जो बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा उसको फिफ्टी लाख का कैश प्राइज है और जो रनर अप आएगा उसको ट्वेंटी लाख का कैश प्राइज़ है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया फर्स्ट इवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे वेर वर्चुअली ले दी फाउंडेशन स्टोन फॉर फर्स्ट ईवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन आसाम ऑन अक्टूबर ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी तो जो यूनियन मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के उसने वर्चुअली फाउंडेशन स्टोन रखा है पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है असाम पर जो सिक्स पार्क है सिक्स नाइन्टी फोर करोड़ इसमें कॉस्टिंग आएगी वो प्रोवाइड करेगा डायरेक्ट कनेक्टिविटी एयर रोड रेल वाटर वेस्ट का ये जो है डेवलप किया जा रहा है जो एमबीसीएस भारत माला परियोजना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसके अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर तो रिसेंटली नीति आयोग हैज अनाउंस द दस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर विथ अमेजॉन वेब सर्विस तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने अनाउंस किया कि वो इस्टेब्लिश करेगा फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर अमेजन वेब सीरीज के साथ मिलकर दिस एम टू एड्रेस सोशल चैलेंजेस थ्रू डिजिटल इनोवेशन इसका मकसद क्या है एड्रेस करना जो सोसाइटी पर चैलेंज है डिजिटल इनोवेशन के द्वारा जो कि पहला अपने टाइप का होगा इंडिया पर तो जो आपका क्लाउड इनोवेशन सेंटर है वो पाथ है ए डब्ल्यू एस सी आई सी ग्लोबल प्रोग्राम का जो कि प्रोवाइड करेगा एक अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट के एजेंसी को नॉन प्रॉफिट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कि वो एक साथ आए और जो चैलेंजेस है उसको डील करें अप्लाई करें डिजाइन थिंकिंग को टेस्ट करें नए नए आइडियाज़ को और एक्सेस करें टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज़ को ए डब्ल्यू एस के फील्ड पर तो दो नीति आयोग फ्रंटियर टेक्नोलॉजी सी आई सी विल बी अ ग्रेट इनेबलर तो बडिंग इनोवेटर एंड स्टार्टअप एंड हेल्प इन लिवरेजिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ सच एज ए आई आई एंड रोबोटिक्स ब्लॉकचेन जो नीति आयोग फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज सी है वो एक ग्रेट इनेबलर होंगे बड करने में इनोवेटर को और स्टार्टअप को कि वो आगे आए लिवरेज करें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स रोबोटिक ब्लॉकचेन हो गया तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको हम ब्रीफली रिवाइज कर लें तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल तो हम लोगों ने इसमें जान लिया कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में क्या चेंजेस किया गया है ठीक है इसका टर्म को जाना हम लोगों ने है क्या ये ये जाना नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर पीआईबी का न्यूज़ तो इसका मीटिंग किस कहाँ पे हुआ है इसको कब क्रिएट किया गया है क्यों क्रिएट किया गया किया है इसका फंक्शन क्या है देन हम लोगों ने पढ़ा शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फॉर्म तो एस फॉर्म जो है किस लिए है पर्पस इसका क्या है न्यूज़ में क्यों आया मेन फोकस मीटिंग का क्या था एस सी के मेम्बर कौन कौन है ठीक है और इंडिया और पाकिस्तान इसका मेम्बर कब बना नेक्स्ट टॉपिक था हमारा नेशनल कंपनी लॉ एप्लेट ट्राइब्यूनल तो इसका फंक्शन क्या है कंपोजिशन क्या है जो सिलेक्शन कमिटी होंगे तो उसके मेंबर कौन कौन होंगे पर्सन कौन है टेन्यर इसका क्या है न्यूज़ में क्यों आया ये उसके बाद हमारा था आई एफ एस सी ए इंट्रोड्यूस फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है क्या न्यू फ्रेमवर्क आई एफ एस सी ए का क्या है आई एफ एस सी ए जो है वो क्या है इसका रोल क्या है फंक्शन क्या है इसका हेडकोर्टर कहाँ पर है कंपोजिशन क्या है देन हम लोगों ने पढ़ा मालाबार नेवल एक्सरसाइज तो ये एक्सरसाइज किस किस के बीच में था बाद में किस कंट्री को इंक्लूड किया गया ये हम लोगों ने जाना देन हम लोगों ने पढ़ा घर तक फाइबर स्कीम तो ये स्कीम कब लॉन्च किया गया क्यों लॉन्च किया गया टारगेट क्या है इस स्कीम का किस स्टेज में लॉन्च किया गया इम्प्लीमेंट इस स्कीम को कौन करेगा देन हम लोगों ने पढ़ा ग्रांड आई चैलेंज तो इसमें कौन लॉन्च किया है किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ग्रांड आई चैलेंज का उसके बाद था हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंडियाज़ फर्स्ट ईवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तो ये पार्क जो है कहाँ पे और किस इंस्टीट्यूट के अंडर लॉन्च किया गया है किस इनिशिएटिव के अंडर लॉन्च किया आई I मीन mean, ये उसके बाद लास्ट टॉपिक था हमारा फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर तो किसने अनाउंस किया है किसके साथ मिलकर किया और इसका एम क्या था तो ये जो सारे बुलेट पॉइंट है इसके अंदर हम लोगों ने जो अभी समझा ब्रीफली रिवाइज़ किया तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ये हमारा सोशल मीडिया हैंड ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर और टेलीग्राम का आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त हो थैंक यू एंड हैव हैवे नाइस डे